समस्त ग्रहवासी व सौरभ पटेल पिता श्री अरविंद पटेल उम्र 25 वर्ष निवासी डोबी तहसील देवरी उपस्थित होकर सेवा सहकारी श्रीमति देवरी के संचालक एवं श्रीमती प्रबंधक चंद्रभान नीमा द्वारा किसानों को दी जाने वाली खाद बीज की समय पर किसानों को वितरित नहीं किया जाता। खाद बीज दे जाने की आवाज में बंदी दस्तावेज आधार कार्ड अपने पास जमा कर लेते हैं, मांगे जाने पर देता नहीं, जो पैसे देते हैं उसे खाद बीज मिल जाता है। श्रीमति प्रबंधक द्वारा किसान को अश्लीलता से गाली गलौज की जाती है। सेवा सहकारी श्रीमती केरली खोला गया परंतु घर से संपूर्ण कार्य किया जाता है। समस्त ग्राम वासियों ने अनुविभागीय अधिकारी जिला कलेक्टर खाद विभाग को आवेदन के माध्यम से सूचना दी है। सर चंद्रभान नेमा सेल्समैन समिति प्रबंधक हैं, जो किसानों के लिए खाद और मुझे नहीं दिया गया और क्रेडिट कार्ड के लिए बनवाने में पैसों की मांग की जाती है और गाँव के लोगों सभी लोगों से आपत्तिजनक बात है, जैसे खाद ना देने के एवज में गाली गलौज करना और जैसे कोई शिकायत करता है तो उससे शिकायत वापस भी ले ली जाती है, दबाव डालकर खाद नहीं दिया जाएगा। मैंने इस संबंध में कलेक्टर महोदय को, तहसीलदार महोदय को, SDM महोदय को, मंत्री जी को और पांच जगह आवेदन दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। डोपी ग्राम में नेमा जी जो कि समिति प्रबंधक है, वो सभी किसानों की बंदियां भी स्वयं रखते हैं और किसानों को लिए नहीं देते हैं। हाँ। और जब भी जरूरत किसान को पड़ती है तो बोलते हैं फोटोकॉपी ले जाओ और यहीं वापस दोबारा फिर कर दो, और ना कभी समय पे खाद दिया है और जब भी लाते हैं लेट देते हैं और किसान जितना मांगते उतना कभी नहीं मिल पाता है। इस बार भी ऐसा ही किया, आज खाद हम लोगों ने मार्केट से लेकर बोनी की है और अभी तक वो खाद समय पे नहीं दे पा रहे करते हैं, लेकिन क्या है कुछ नहीं होता है, ऊपर से नीचे तक भावखोरी जलती है, इसलिए 2-5 हजार खर्च कर देते होंगे शायद वो, इसलिए जनता की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, सभी किसान परेशान है। लोकल न्यूज के लिए देवरी से राकेश यादव की रिपोर्ट।